अब आकाश आनंद के पीछे पड़े बीजेपी वाले। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया। आकाश आनंद के खिलाफ दर्ज हुआ केस। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है, ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। आकाश के भाषण से बीजेपी को लगी मिर्ची। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में की गई टिप्पणी उनको बहुत महंगी पड़ेगी। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ऐसे ही बयानों से बीजेपी को मिर्ची लग गई है। तभी तो बीजेपी वाले तिलमिलाए हुए हैं। आकाश आनंद ने यूपी के सीतापुर में पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर सीधा हमला बोला तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस दौरान उन्होंने आतंकवादियों से बीजेपी सरकार की तुलना की थी। आकाश आनंद के विवादित बयान पर अब यूपी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आकाश आनंद पर हिंसा भड़काने और असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। सीतापुर पुलिस ने शहर कोतवाली में 171C, 153B, 505 और RP एक्ट की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा RP एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज किया तो बीजेपी नेताओं ने आकाश आनंद को धमकाना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी खुलेआम कह रहे हैं कि आकाश आनंद को ये बयान बहुत महंगा पड़ेगा। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में नए परिवारवाद का नया अंकुरण है और इसीलिए वो जानबूझकर के प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मीडिया में उनको ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां मिल सके। इसीलिए जानबूझकर के रोज कुछ न कुछ विवादित बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की है, इसका खामियाजा उनको निर्वाचन आयोग के द्वारा भी भुगतना पड़ेगा और जनता की अदालत में भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में की गई टिप्पणी उनको बहुत महंगी पड़ेगी। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सीतापुर में इलाहाबाद फील्ड में 5 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया था। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बयान दिया था कि जब भाजपा के लोग वोट मांगने आए तो उनके लिए जूता, चप्पल और लाठी तैयार रखो। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार को आतंकवादी सरकार तक कह डाला था। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है, जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसका, उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पर अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है, ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का।
आकाश आनंद ने इसी रैली में ये भी कहा कि चुनाव आयोग उनके जैसे विपक्षी नेताओं को तो कानून सिखाता है, लेकिन जब बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं तो चुनाव आयोग को कुछ नजर नहीं आता। अगर हम जाति और धर्म के आधार पे कुछ सवाल कर दिए तो इलेक्शन कमीशन कल हमें बंद कर देगा, कहेगा तुम जाति और आधार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हो। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाएगी, मुंह पे टेप बंध जाएगा, तब इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होगी। पर जब साथियों, पर जब आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। आकाश आनंद इन दिनों बीजेपी को लेकर हमलावर हैं। कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर तो कभी 5 किलो राशन के नाम पर आकाश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ बोलती है मोदी जी का नमक खाया है वोट दो, अरे भाई जिससे तुम राशन खरीद रहे हो, जिस पैसे से तुम राशन खरीद के जनता को दे रहे हो, वो भी तो जनता का ही पैसा है। साथियों, ये लोग ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। परंतु साथियों, उन्होंने चूना भी लगाया इसी तौर, आपको वो दिखाया 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया कि ये लीजिए राशन लीजिए मुफ्त में और मोदी जी को वोट दीजिए। रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है, वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को बड़ा आगे बढ़ाने का काम करेगा। आकाश आनंद को लोग फ्लावर समझ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में वो फायर साबित हो रहे हैं। बड़े बड़े विपक्षी नेता भी बीजेपी को लेकर इतना तीखा नहीं बोल रहे जितना आकाश बोल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी वालों को मिर्ची लगना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी नेता सरेआम हिंदू मुसलमान करके चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो चुनाव आयोग और पुलिस बीजेपी वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, या फिर चुन चुन कर विपक्षी नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।